आज हम लोग ये देखते हैं कि कितने टाइप्स के बारकोड होते हैं और उस बारकोड को रीड करने के लिए कितने मार्केट में रीडर्स अवेलेबल हैं और कितने टाइप के रीडर होते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई बारकोड स्कैनर मार्केट से लेने जाते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सारे बारकोड स्कैनर या सारे बारकोड सेम हैं, अलग अलग टाइप के बारकोड हैं और उसको स्कैन करने का तरीका भी अलग अलग है। ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्प करेगा कि आप बारकोड सिलेक्शन करने में, कि आपका आपका एप्लीकेशन कैसा है, यूसेज कैसा है और आप कहाँ पे यूज़ करने वाले हो, किस तरह से यूज़ करने पा रहे हो। कंसिडरिंग दोज पॉइंट्स ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है कि फॉर द सिलेक्शन ऑफ ए राइट बारकोड स्कैनर फॉर योर एप्लीकेशन। पहले तो ये देखते हैं कि कितने टाइप के बारकोड होते हैं। मोटा मोटी दोस्तों दो टाइप के बारकोड होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं 1D बारकोड, ये जो मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो जो लाइन लाइंस में है उसको 1D बारकोड बोलते हैं। एंड दूसरी तरफ आप जो स्क्वायर में हैं उसको बोलते हैं 2D बारकोड। 1D बारकोड में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कोड 128 देख रहे हो, EN13 वो देख रहे हो, ये अलग अलग टाइप्स के सिम्बोलॉजीज होते हैं, इसको बारकोड सिम्बोलॉजीज बोलते हैं। 2D में भी बहुत सारे बारकोड होते हैं, उसमें सबसे जो पॉपुलर है आप लोग देख सकते हैं QR कोड है। QR कोड सबसे पॉपुलर है, अब काफ़ी लोग जानते होंगे QR कोड के बारे में, बट उसके अलावा भी जैसे डाटा मेट्रिक्स होता है, मैक्सी कोड होता है, ये भी एज ए 2D बारकोड कंसिडर होता है। और 2D बारकोड हम नॉर्मली लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें डाटा ज़्यादा ज़्यादा सेव होता है कंपेयर टू 1D बारकोड। अब आइए देखते हैं कि इन सारे बारकोड्स को स्कैन करने के लिए कितने रीडर्स अवेलेबल हैं और कितने टाइप के रीडर होते हैं। मोटा मोटी दोस्तों आप देखोगे तो दो टाइप की रीडर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं 1D स्कैनर, एक को हम लोग बोलते हैं 2D स्कैनर। ये जो दोनों आप देख रहे हो ऊपर के दोनों, ये 1D स्कैनर है और नीचे का आप देख रहे हो वो 2D स्कैनर है। अब 1D स्कैनर में भी एक बाइफर्केशन है, उसमें भी एक मार्केट में एक आता है लेजर स्कैनर, जिसका टेक्नोलॉजी लेजर लाइट के ऊपर बेस्ट होता है, और दूसरा आपको मिलेगा लीनियर इमेजर। लीनियर इमेजर बेसिकली HD कैमरा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ट होता है। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो जैसे मैंने आप देख सकते हो स्क्रीन में कि मैंने लेजर को गुड बोला है, लीनियर इमेजर को बेटर बोला है, इसको बेस्ट बोला है। बेसिकली ये बाइफर्केशन इस हिसाब से हुआ है कि लेजर लेजर जो है वो काफ़ी पुराना टेक्नोलॉजी है एंड काफ़ी टाइम से चल रहा है। लीनियर इमेजर CCD टेक्नोलॉजी के ऊपर आता था। CCD टेक्नोलॉजी और लीनियर इमेजर में काफ़ी डिफरेंस है। CCD बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को बेस करके लीनियर इमेजर टेक्नोलॉजी बनाया गया है, जो कि आप अगर जहाँ पर खराब बारकोड है उसको स्कैन करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है कंपेयर टू लेजर। लेजर अच्छा है बट वो अच्छे बारकोड्स अगर हैं तब जाके, अगर वहाँ पे आपके बारकोड खराब हैं, बहुत ज़्यादा घिसे हुए हैं या कट गए हैं थोड़े से, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जैसे आपने रिटेल स्टोर्स में देखा होगा कि तेल लग जाता है या और कुछ लग जाता है, लॉजिस्टिक्स में देखा होगा घिस जाता है वेयर हाउसेस में, तो उस केस में लीनियर इमेजर काफ़ी हेल्पफुल होता है तो स्कैन दो बारकोड, क्योंकि इसमें काफ़ी इफेक्टिवली स्कैन करता है। अब आ जाते हैं 2D बारकोड स्कैनर। 2D बारकोड स्कैनर को हम लोग बेसिकली 2D एरिया इमेजर बोलते हैं या एरे इमेजर बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन सारे 2D बारकोड ही होते हैं। 2D बारकोड का भी टेक्नोलॉजी लगभग सेम है लीनियर इमेजर की तरह, ये भी पिक्चर पूरा का पूरा बारकोड का पिक्चर क्लिक करता है, उसको डिकोड करता है। लेकिन 2D में आपको फायदा ये होगा कि 2D आपका देखिए 1D भी स्कैन करता है, 2D भी स्कैन करता है, सारे सिम्बोलॉजी को स्कैन कर सकता है, लेकिन जो 1D बारकोड स्कैनर है वो सिर्फ और सिर्फ 1D को स्कैन करता है। 2D बारकोड अगर QR कोड आप लेके 1D से स्कैन करने जाओगे वो नहीं करेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों कि टेक्नोलॉजी क्या है बेसिकली, क्यों क्यों मैं इस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे स्कैनर अवेलेबल हैं, और स्पेशली आप अगर 1D में जाओगे तो 1D में आपको सब लोग बोलते हैं लेजर स्कैनर, और लीनियर इमेजर काफ़ी लोगों को पता नहीं है क्योंकि लीनियर इमेजर टेक्नोलॉजी में बहुत कम कंपनी काम करती है और ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली न्यू टेक्नोलॉजी है, जबकि लेजर टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ओल्ड टेक्नोलॉजी है। दूसरा इसमें सबसे फर्क आता है, जैसे लेजर कैसे स्कैन करता है, बेसिकली बारकोड के ऊपर जैसे आपने लेजर स्कैनर से आपने क्लिक किया, लाइट गया वहां पे, लाइट को क्या करता है, जो व्हाइट फील्ड्स होते हैं,
जो 1D में होता है ना, लाइन 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 में जो व्हाइट फील्ड्स होते हैं, व्हाइट फील्ड्स रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर वो आपके मिरर प्लेट में आता है और उसको फिर फोकस लेंस से वो डिकोड किया जाता है और वो आपको बारकोड का एग्जैक्ट रिजल्ट बताता है। तो इसमें बेसिकली आपका फायदा यह होता है कि कॉस्ट और परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलते हैं, लेकिन उसका दो डिसएडवांटेज भी है कि इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं। जैसे आपका अगर सडनली गिर जाता है कहीं से, हाथ से गिर जाता है, तो वो मूविंग पार्ट हिलने के या फिर खराब होने के काफ़ी चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अंदर वो लेजर मिरर और ये सब होता, प्लेट होता है, तो वो मूविंग पार्ट की वजह से ये इशू आ सकता है। जबकि आप लीनियर इमेजर या इमेज बेस्ड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो नया टेक्नोलॉजी, उसमें हमने क्या किया है कि वो मूविंग पार्ट ही नहीं है, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, उसमें HD कैमरा है जो कि डायरेक्टली पिक्चर को कैप्चर करता है, और उसमें एक डिकोडर चिप है या डिकोडर CPU है जो कि डायरेक्टली उसको उस इमेज को प्रोसेस करता है और आपको आपका बारकोड का रिजल्ट देता है। तो इसमें मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसमें एडवांटेज ये है कि आप, एक तो आपका खराब बारकोड बहुत अच्छे स्कैन करेगा, दूसरा एडवांटेज ये है कि आपका ये जैसे रगड़ेटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अगर हाथ से गिर जाता है या आपने एक्सीडेंटली कहीं पे कहीं कहीं नीचे आपके ड्रॉप हो गया, कुछ हो गया, तो इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता है, तो आपका लाइफ जो होता है इसका ज़्यादा बेहतर होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों कि ये थोड़ा सा आपको स्क्रीन ब्लर लग रहा होगा, बट मैं आपको रीड आउट करके भी बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है। अभी हमने जैसे डिस्कस किया 1D में लेजर, 1D में दो तरह के टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, लेजर स्कैनर एंड लीनियर इमेजर। 2D में एक ही टेक्नोलॉजी आता है, वो जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया इमेजर या एरे इमेजर। सबसे बेस्ट तो आज के टाइम में 2D है दोस्तों, लेकिन 2D क्योंकि बहुत हाईली ग्रो कर रहा है मार्केट में और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि 2D 1D भी करता है, 2D भी करता है, तो लोग आज जो 1D स्कैनर यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि आगे जाके हम लोग अगर 2D में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारा 1D बारकोड हमने जो लिया है वो हो सकता है कि वो बेकार हो जाए, तो इसके लिए काफ़ी लोग 2D ले रहे हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं कि नहीं, हमारे तो अभी 4-5 साल तक कोई 2D यूज़ होना ही नहीं है, तो वो एडिशनल खर्चा क्यों करें, वो इसीलिए 1D ही लेते हैं। अब 1D में भी हमें ये देखना है कि 1D में हमें कौन सा लेना है। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे लेज़र में क्या होता है, लेज़र में आप 1D प्रिंटेड बारकोड स्कैन कर सकते हो, लीनियर इमेजर में भी 1D प्रिंटेड बारकोड स्कैन कर सकते हो, और जहां पे 2D बारकोड आता है आप वहां पे 1D 2D प्रिंटेड बारकोड दोनों स्कैन कर सकते हो। फिर आ जाता है कि जो लेजर स्कैनर होते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि आपका मोबाइल, आपने देखा होगा दोस्तों आजकल मोबाइल के स्क्रीन से भी काफी बारकोड स्कैन किया जाता है। आप कहीं पे पेमेंट देने जाते हो, कुछ करते हो, तो मोबाइल स्क्रीन से भी काफी बारकोड स्कैन किया जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो लेजर स्कैनर होता है वो काम नहीं करता, क्योंकि स्क्रीन से रीड नहीं कर सकता लेजर स्कैनर। जबकि लीनियर इमेजर जो होता है, जो एंट्री लेवल स्कैनर भी होते हैं, वो भी स्क्रीन से रीड कर लेते हैं क्योंकि वो इमेज बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर है। और सेम 2D टेक्नोलॉजी, 2D बारकोड्स में भी होते हैं, क्योंकि 2D 2D बारकोड स्कैनर का जो टेक्नोलॉजी होता है वो लगभग लीनियर इमेजर के साथ सेम होता है, एंड उसके लिए वो भी मोबाइल स्क्रीन से रीड कर लेते हैं। फिर आ जाता है ये इमेज कैप्चर नहीं कर सकता लेजर स्कैनर, लेकिन लीनियर इमेजर भी नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन 2D एरिया इमेजर कर लेता है, क्योंकि उसमें जो कैमरा होता है वो स्पेशली डिजाइंड होता है 2D बारकोड्स के लिए, इमेज के लिए। फिर आ जाता है कि अगर आपको परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो खराब बारकोड को, ये कहीं कहीं खराब बारकोड को ठीक ठाक स्कैन कर लेता है परफॉर्मेंस वाइज, बट जहां पे आपको अगर एक्सेलेंट स्कैनिंग परफॉर्मेंस चाहिए खराब बारकोड्स के लिए, जहां पे आपको बारकोड का क्वालिटी बहुत खराब है, हाई डेंसिटी बारकोड है, तो वहां पे लीनियर इमेजर बहुत अच्छा काम करता है कंपेयर टू लेजर इमेजर। और सेम एरिया इमेजर 2D बारकोड में भी वो एक्सीलेंटली काम करता है। फिर ओमनी डिरेक्शनल स्कैनिंग अवेलेबल इन हैंडफ्री मॉडल, ये क्या होता है बेसिकली, ओमनी डिरेक्शनल स्कैनिंग होता क्या है बेसिकली, तो हम लोग किसी भी, आपने देखा होगा कि बारकोड जो 1D बारकोड होता है उसको एक ही एंगल से स्कैन करना पड़ता है, अगर आप, लेकिन आप जो अगर 2D बारकोड स्कैनर वहां पे लोगे तो किसी भी एंगल से स्कैन कर सकते हो। सो 1D बारकोड जैसे लेजर और लीनियर इमेजर में आप किसी भी डिरेक्शन से स्कैन नहीं कर सकते, सिर्फ आपको जो ऊपर से नीचे वो जो बारकोड लाइन दिख रहा है वहीं पे ही स्कैन करना पड़ेगा, जबकि 2D में आप सेम बारकोड को किसी भी एंगल से स्कैन कर सकते हो। सो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको वो ये नहीं करना पड़ेगा कि बारकोड लाया, बारकोड को देख के फिर मुझे 1D नॉर्मली उसके ऊपर लाइट डाल के करो, आप किसी भी एंगल से उसको डायरेक्टली स्कैन करो। फिर जहाँ तक कॉस्ट की बात होती है, कंपैरेटिवली लेजर स्कैनर का कॉस्ट कम होता है और लीनियर इमेजर का भी कॉस्ट उसके वर्सेस में
थोड़ा सा प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बेसिकली इसका प्राइस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ है तो थोड़ा सा प्राइस ऊपर रहता है। लेकिन बेसिकली आप अगर इसको कंसिडर करोगे परफॉर्मेंस वाइज तो ये आपका इससे बेटर परफॉर्मर है, और 2D का प्राइस ऑलमोस्ट लीनियर इमेजर्स और लेजर इमेजर से काफ़ी ऊपर ही होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा लेजर स्कैनर है और कौन सा लीनियर स्कैनर है 1D में। अभी हम 2D भूल जाते हैं, अभी हम 1D की बात करते हैं कि 1D में हम कैसे पहचानेंगे कौन सा है। जो जहाँ आपने देखा होगा कि बारकोड के ऊपर पतली सी बीम जो देता है, ये जो आप देख रहे हो, ऐसे अगर आता है तो आप ये समझ लेना कि ये लेज़र बारकोड रीडर है या बारकोड स्कैनर है। लेकिन जहाँ पे आपकी बीम ऐसी मोटी आई तो वहाँ पे आपको समझ लेना ये जो देख रहे हो थोड़ा सा मोटा बीम है कंपेरेटिव टू लेजर स्कैनर, तो वो लीनियर इमेजर का बेसिकली बीम होता है। तो आप वही से समझ जाओगे कि ये लीनियर इमेजर है। जो आप जब भी इसके सिलेक्शन करने जा रहे हो, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि लीनियर है लेजर है। आप जैसे ही बारकोड लाइट ऑन करोगे, किसी बारकोड के ऊपर डालोगे, तो आप बीम देख के समझ जाओगे कि ये लीनियर है इमेजर है। तो आपको फिर इमिडिएटली वो सिलेक्ट करने में भी आसानी होगी। और जैसे मैंने डिफरेंस बताया था, अगर लेजर स्कैनर गुड है तो ये बेटर है। रीजन बिहाइंड कि इसमें आपका पुअर बारकोड्स, जो खराब बारकोड्स होते हैं, घिसे हुए बारकोड, वो बहुत अच्छे से स्कैन करता है। और क्योंकि ये फोटो इमेज टेक्नोलॉजी के ऊपर है, और लेजर स्कैनर जो है वो रिफ्लेक्शन लाइट के ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो ये बहुत ज़्यादा खराब, अगर बारकोड का क्वालिटी ठीक ठाक है तब जाके अच्छा स्कैन कर पाएगा, और इसका डिस्टेंस भी थोड़ा सा आपको बेटर मिलेगा। मैंने अपने नेक्स्ट स्लाइड में बताया कि इनके बीच मोटा मोटी और क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं और क्या डिफरेंस आ सकता है। सो बेसिकली आप अगर एप्लीकेशन वाइज देखोगे तो स्कैनिंग डिस्टेंस की बात करोगे तो स्कैनिंग डिस्टेंस में लीनियर का जो स्कैनिंग डिस्टेंस होता है वो करीब करीब आपका 18 इंच के आसपास रहता है, और जो आप स्कैनिंग डिस्टेंस लेजर में देखोगे तो वो इससे थोड़ा सा बेटर होता है। आप थोड़ा सा दूर से कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको अगर आपका एप्लीकेशन आपका बहुत दूर से स्कैन करने का नहीं है तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है लीनियर। लेकिन और क्या हमें लीनियर में बेटर मिल रहा है, वो है जैसे डेंस बारकोड है तो वो आप कोई भी एंट्री लेवल लीनियर इमेजर स्कैनर से स्कैन कर सकते हो, जबकि लेजर स्कैनर में फिर आपको प्रोडक्ट को अपग्रेड करना पड़ेगा, अलग स्कैनर लेना पड़ेगा सेम बारकोड को स्कैन करने के लिए अगर हाई डेंसिटी है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर मेरा लॉजिस्टिक कंपनी है या कोई वेयर हाउस है या कोई रिटेल स्टोर है तो वहाँ पे नॉर्मली बहुत अलग अलग टाइप के बारकोड आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे बारकोड्स एक जैसे हैं। सो फिर आता है पुअर बारकोड स्कैन करने की कैपेबिलिटी की आप बात करते हो, तो वहाँ पे लीनियर इमेजर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेजर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, या फिर वो डैमेज बारकोड को बहुत इफेक्टिवली पुअर बारकोड को स्कैन कर नहीं पाता है। फिर लेमिनेटेड बारकोड्स, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बारकोड्स आते हैं जिसके ऊपर लेमिनेशन लगाया होता है, तो वो लेमिनेटेड बारकोड क्या करता है, लेजर जैसे ही लाइट डालेगा उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा और वो इतने इफेक्टिवली उसको स्कैन नहीं कर पाता है। जबकि लीनियर इमेजर्स जो 1D बारकोड स्कैनर होते हैं वो काफ़ी अच्छे से उसको स्कैन कर लेते हैं। फिर आप जैसे मैंने मोबाइल, उसमें मेंशन नहीं हुआ है, जैसे मैंने मोबाइल स्क्रीन की बात किया, लीनियर इमेजर स्कैनर से आप मोबाइल स्क्रीन के बारकोड को भी स्कैन कर सकते हो, लेकिन लेजर स्कैनर से आप नहीं कर सकते। फिर और कुछ होते हैं जैसे 2D स्टैक्ड बारकोड होते हैं, ये एक स्पेशल बारकोड होता है जिसके लिए आपको अगेन लेजर के लिए आपको अलग स्कैनर में जाना पड़ेगा, ऊपर के वेरिएंट में जाना पड़ेगा, एंट्री लेवल स्कैनर में नहीं कर सकते। जबकि लीनियर इमेजर में आप वो टू जो स्टैक्ड बारकोड होते हैं वो एक तरह से 1D और 2D का एक तरह से बीच का मॉडल होता है, तो वो भी आप इसमें स्कैन कर सकते हो। वो बहुत स्पेशल होता है, बहुत स्पेशल केसेस में आता है। तो फिर आता है मैक्सी कोड या फिर डाटा मैट्रिक्स, QR कोड, ये जितने भी सिम्बोलॉजीज आ गए वो सारे जो होते हैं 2D बार कोड में स्कैन होते हैं। अब मैंने अपने ये छोटा सा एक वीडियो बनाया है जिसमें जिसमें आपको ये समझने के लिए और आसानी हो जाएगी कि लेजर इमेजर क्या करता है और लीनियर इमेजर क्या करता है, किस तरह के एनवायरमेंट में ये दोनों का स्कैनिंग परफॉर्मेंस कैसा होता है। आइए देखते हैं कि ये स्कैनिंग परफॉर्मेंस दोनों का होता कैसे है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा इससे कि आपको बारकोड स्कैनिंग दोनों का प्रेफरेंस वाइज कैसा है। सो प्लीज़ इसको आप केयरफुली देखिए। ये जो हम स्कैन कर रहे हैं ये पहले लेजर बारकोड से स्कैन कर रहे हैं,
सो देखिए यहाँ पे खराब बारकोड इफेक्टिवली स्कैन कर नहीं पा रहा है इसको, ये भी थोड़ा खराब है, लेकिन ये अच्छा है, इसको इमिडिएटली कर रहा है लेजर स्कैनर। फिर से ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है। अब ये काफ़ी घिसे हुए थोड़ा सा डैमेज कोड है, तो लेज़र बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली स्कैन कर नहीं पा रहा है इसको। इसमें कोशिश करने के बाद थोड़ा सा हुआ। अब ये आ गया लीनियर। अब देखिए इसको लेजर कर नहीं पा रहा था और इसको लीनियर इमेजर बहुत इफेक्टिवली कर रहा है। इसको लेजर भी अच्छा कर रहा था, बट जो जो ये खराब बारकोड स्कैनर है उसको लेजर कर नहीं पा रहा था, लेकिन ये देखिए लीनियर इमेजर बहुत इफेक्टिवली कर रहा है इसको। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड नेक्स्ट टाइम मैं जो वीडियो लेके आऊँगा वो 2D टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। आपको और आसानी हो जाएगा कि 2D टेक्नोलॉजी कैसे होता है और इसमें भी कितने टाइप्स होते हैं, ये आपको अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।